एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। सो आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर अ नायका का पिंक फ्राइडे सेल हॉल एंड सम ऑफ द आइटम्स दैट आई बॉट एट फ्रॉम द लक स्टोर एंड कुछ चीज़ें रेगुलर स्टोर से खरीदी है। बट द मेन पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी द कस्टमर केयर एक्सपीरियंस विद नायका, बिकॉज दिस टाइम मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही बुरा था। सो आई रियली वॉन्टेड टू शेयर दैट। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज एंड का पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एंड इफ यू फाइंड दिस यूजफुल देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। And now let's go. So let me start with the regular affordable products, the self-care items. So सबसे पहले I've bought these Nivea के body washes. You all can see this in two variants. एक है hibiscus and grapefruit and दूसरा है water lily and oil. तो out of these two ना मैंने pink वाला पहले try किया है. I haven't tried this one. I don't know how it will be, but I'm hoping अच्छा होगा. And I bought this specially because Nivea पे एक offer था, like if you buy for around I think 700-800 rupees. I'll leave the offer details in the description box or on the screen. तो कुछ ये सब खरीदने के बाद यू वुड गेट दिस पर्टिकुलर डिओड्रेंट फॉर फ्री। सो आई बॉट दिस बिकॉज आई एनी वे वॉज लुकिंग फॉर अ डिओड्रेंट। डेफिनेटली मैं वाइटनिंग वर्जन नहीं देख रही थी, बट सिंस दे वर गिविंग दिस फॉर फ्री आई डोंट माइंड। मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, ये झूठ होगा बोलना कि मैं वाइटनिंग डिओड्रेंट नहीं यूज़ कर चुकी हूँ पहले, बट इट डजेंट एक्चुअली वाइटन और डू एनी थिंग। इट्स जस्ट दैट फ्री था तो ले लिया। एंड आई ऑल्सो गॉट दैट लिप बाम फॉर ऑफकोर्स विंटर सीजन। तो ये वाला सिंस इसमें एडिड कुछ और चीज़ें नहीं होती, आई लाइक दिस वन, इसलिए आई बॉट दिस। नाउ द नेक्स्ट थ्री प्रोडक्ट्स आर फ्रॉम मेबलिन। तो ये मेबलिन का एज रिवाइंड कंसीलर है, दिस इज इन द शेड मीडियम। यही वाला शेड मैं रेगुलरली यूज़ करती हूँ एंड दिस इज अ रीपर्चेस। मेरे पास ऑलरेडी एक है जिसका मैं ट्राई ऑन आपको दिखाने वाली हूँ। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अ मस्कारा फ्रॉम दिस ब्रांड, इट इज कॉल्ड एसेंस। तो इनका ये आई लव एक्सट्रीम लैशेज मस्कारा है। इनका जो लैश प्रिंसेस मस्कारा है दैट इज माई पर्सनल फेवरेट। आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई दिस वन एज वेल एंड आई बिलीव कि इनके मोस्टली जितने भी मस्काराज होते हैं ना वो काफ़ी अच्छे क्वालिटी के होते हैं एंड दे कॉस्ट लेस देन 300 रुपीज आफ्टर सेल। सो या इट्स डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी एंड इसका ट्राई ऑन भी आपको देखने में आ रहा होगा कि कितना अच्छा लुक देता है। द नेक्स्ट आइटम दैट आई गॉट इज दिस लिपस्टिक फ्रॉम लैक्मे फॉरएवर मैट। उनका लिपस्टिक है ये, तो ये शेड है न्यू ड्रीम। मैंने एक यूट्यूबर पे देखा था ये शेड एंड वाओ, इट इज़ अ वेरी गुड न्यूड कलर एंड इट विल सूट अ लॉट ऑफ डस्की या टैन स्किन टोन्स। यू ऑल कैन सी दिस इज हाउ द कलर लुक्स लाइक, काफ़ी स्मूथ है एप्लीकेशन में। एंड ये रहा इसका डो फुट एप्लीकेटर। आई थिंक ये कम्प्लीटली मैट हो जाएगा आफ्टर सम टाइम। इट रिजेंबल्स अ लॉट लाइक गिव मी मोका फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड, इन केस यू हैव यूज दैट वन। सो ये वैसे ही सेम लग रहा है बट काफ़ी स्मूथ एंड थिन टेक्स्चर है इसका, विच आई एम लाइकिंग। नाउ अनदर स्किन केयर प्रोडक्ट दैट आई गॉट इज दिस कॉसारेक्स का सैलिसिलिक एसिड क्लेंजर। मैंने कभी भी कॉसारेक्स के कोई प्रोडक्ट्स नहीं ट्राई किए हैं आई, बट सैलिसिलिक एसिड इज समथिंग ना, मैं ये सैलिसिलिक एसिड के अलग अलग फेस वॉशेज बार बार यूज़ करती रहती हूँ बिकॉज माई स्किन गेट्स क्लॉग्ड वेरी इजीली। मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने हो जाते हैं, इसीलिए आई गॉट दिस वन इन पर्टिकुलर। सो आई विल लेट यू नो एक रिव्यू में इन केस यू वॉन्ट टू नो कि हाउ दिस परफॉर्म्स ऑन माई स्किन। नाउ मूविंग ऑन टू द नायका का लक्स कैटेगरी। सो सबसे पहले आई गॉट अ लॉट ऑफ स्टफ फ्रॉम क्लिनिक। लॉट नहीं मतलब तीन चीज़ें एक कॉम्बो मैंने लिया था विच कॉस्टेड मी लेस देन 2500 रुपीज़। आई गेस 2200 का कुछ तो ऑफर चल रहा था, वेर एज दिस का ओरिजिनल प्राइस इज लाइक 2600। सो दिस इज़ वॉट इट लुक्स लाइक। तो ये क्लिनिक का क्लैरिफाइंग लोशन है, दिस इज़ मेंट फॉर एक्ने प्रोन स्किन विच आई हैव। एंड द सेकेंड वन इज़ दिस फेस वॉश। आई हैव नॉट यूज दिस वन इन पर्टिकुलर, बट मैंने क्लिनिक की दूसरी रेंज ट्राई की थी, आई डोंट रिमेंबर द नेम, इट्स बिन अ वाइल। बट क्लिनिक के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं इन केस इफ यू हैव एक्ने प्रोन स्किन, दीज आर डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी। अगर आपको कुछ हाई एंड प्रोडक्ट्स लेने हैं देन आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड क्लिनिक के स्किन केयर प्रोडक्ट्स। नाउ इस कॉम्बो में जो थर्ड चीज़ मुझे मिली है इट्स दिस मॉइस्चराइजर। ये क्लिनिक का मॉइस्चर सर्ज वाला मॉइस्चराइजर है एंड इसका एक टब मेरे पास ऑलरेडी है एंड इट्स वेरी वेरी नाइस, इसीलिए मैंने इसका बैकअप खरीदा है। नाउ मूविंग ऑन टू सम मोर मेकअप प्रोडक्ट्स। सो जो नेक्स्ट वाली जो डील्स की मैं बात करने वाली हूँ ना, दैट इज़ द वन विच एक्चुअली डिसअपॉइंटेड मी मोर। सो आई बॉट अ लॉट ऑफ स्टफ फ्रॉम स्मैश बॉक्स। देर वॉज दिस वन डील वे यू कैन बाय
प्रोडक्ट्स वर्थ 4500 या कुछ, एंड आपको एक फुल साइज प्रोडक्ट फ्री मिलता है एंड कुछ और चीज़ें वो लोग खुद ही ऐड करते हैं अलॉन्ग विद सैम्पल्स एंड सैशेज. सो हियर इट इज. सबसे पहले तो आई गॉट दिस प्राइमर वाटर. आई लव इट बिकॉज एंड आई लाइक इट मोर देन फिक्स प्लस एक्चुअली, बिकॉज इसका जो स्प्रे है ना इट इज़ क्वाइट फाइन. इट्स एक्चुअली लाइक एन एरोसोल स्प्रे सम वॉट सिमिलर, बट मतलब ये बिल्कुल भी स्किन को ऑयली नहीं बनाता एंड टैकी नहीं बनाता. दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस वन. द नेक्स्ट टू आइटम्स दैट आई गॉट फ्रॉम स्मैशबॉक्स आर दीज लिपस्टिक्स. तो सबसे पहले है बॉस एंड दूसरी है स्टेपिंग आउट. आई लव दीज टू लिपस्टिक्स, स्पेशली बॉस वाली. दिस इज वॉट आई एम वेयरिंग एट द मोमेंट. यू कैन सी इन द ट्राई ऑन एज वेल. ये काफ़ी प्रिटी कलर है. इट डज नॉट स्मज एकदम ज़्यादा और इट डज़ नॉट फील वेरी ड्राइंग एज वेल. सो दिस इज़ अ वेरी कम्फर्टेबल फॉर्मूला एंड आई रियली लाइक इट. टॉकिंग अबाउट स्टेपिंग आउट, तो इसका भी फॉर्मूला सेम है बट इसका जो कलर है इट विल नॉट सूट एवरी वन, स्पेशली डस्की स्किन टोन. आपको लिप लाइनर यूज़ करना पड़ेगा अदरवाइज दिस विल यू नो वॉश यू आउट. बट अबाउट द फॉर्मूला, तो इसको लगाने से पहले आई अप्लाइड लिप बाम एंड देन आई वॉज ड्रिंकिंग कॉफ़ी. तो तभी ये ना थोड़ा सा स्मज हो गया, इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफ़र हो गया ऑन माई कप. So I'm assuming that all of these, since they have the same formula, if you apply a lip balm underneath, they will transfer. The next product that I got from Smashbox is this lipstick called as Gulabe. तो ये lipstick ना बीच में बहुत ज़्यादा raging थी जब ये नई नई launch हुई थी, because this is apparently the best color for Indian skin tone, best pink color. So about this color ना, ये काफ़ी beautiful लगता है. I would say कि इसके लिए थोड़ा सा makeup करना ज़रूरी है if you have a blemish वाला skin like me. Otherwise it will kind of not look that good on you, because I feel कि ये बहुत ज़्यादा dark skin tone पे नहीं इतनी अच्छी दिखेगी इन माय पर्सनल ओपिनियन. सो इस परचेस के साथ ना मुझे बहुत सारे फ्रीबीज मिले थे, जैसे कि आई गॉट दिस लिपस्टिक आल्सो फॉर फ्री. दिस इज इन द शेड ऑडिशन. तो इसको ना मैंने अपने आईज पे एंड एज अ ब्लश आज लगाया है एंड इट लुक्स रियली नाइस. मैंने इसको लिप्स पे नहीं ट्राई किया बट आई एम अज्यूमिंग इट इज गोइंग टू लुक रियली रियली प्रिटी बिकॉज इट इज सूटिंग माई स्किन एल्सवेयर एज वेल. सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट्स दैट आई गॉट फ्री विद दिस परचेस वर दीज सैम्पल्स फ्रॉम स्मैशबॉक्स. तो ये स्मैशबॉक्स का विटामिन सी वाला प्राइमर है एंड दिस इज देयर ओरिजिनल फोटो फिनिश प्राइमर. सो ये दो मिला था एंड ऑल्सो विटामिन सी का एक और ट्यूब मिला था छोटा सा. आई ऑल्सो गॉट दिस प्राइमर फ्री, बड़े साइज का. इनफैक्ट फुल साइज का प्राइमर मुझे फ्री मिला था एंड आई वॉज रियली एक्साइटेड अबाउट दिस होल स्मैशबॉक्स का डील until I received the products, because this is where the bitter part starts. I ordered these Smashbox ke products thinking that it was a great deal, but do cheeze inme se na near expiry wali aayi. Number one was this Gulabe lipstick jiske liye maine full price pay kiya tha, and number two was this free wala jo full size primer hai, which I don't mind ki chalo tum free mein de rahe ho, I can still manage with that. But the Gulabe lipstick that I had received, maine uska chupchap jaakar प्लेसमेंट के लिए रिक्वेस्ट डाला था एंड आफ्टर डूइंग दैट ना अगले ही दिन मुझे ईमेल आया था नायका से. दे टोल्ड मी दैट दे कैन नॉट काइंड ऑफ रिप्लेस द प्रोडक्ट बिकॉज उनके इन्वेंट्री में सब कुछ बल्क में वो लोग खरीदते हैं एंड आई माइट एज वेल गेट द प्रोडक्ट्स विद अ सिमिलर मैन्युफैक्चरिंग डेट. सो इसीलिए दे टोल्ड मी दैट दे विल बी गिविंग मी अ रिफंड एंड आई सिलेक्टेड द UPI रिफंड ऑप्शन एटसेट. सो आफ्टर अग्रीइंग टू द होल रिफंड प्रोसेस दे मेल्ड मी अगेन एंड दे आस्क्ड मी टू शो ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आई हैव रिसीव्ड फ्रीबीज में. तो मैंने उनको ईमेल में सारे प्रोडक्ट्स बता दिए कि ये मैंने परचेस किए हैं एंड इस पे ये चीज़ें मुझे फ्री मिली हैं. सो द नेक्स्ट ईमेल दैट आई रिसीव्ड वाज वेरी शॉकिंग. दे टोल्ड मी दैट सिंस यू हैव रिसीव्ड सो मेनी फ्रीबीज सो वी वुड नॉट बी एबल टू गिव यू एन रिफंड और इवन अ रिप्लेसमेंट. आई टोल्ड देम दिस इज नॉट फेयर. आई पेड फुल्ली फॉर द लिपस्टिक. आई एम नॉट आस्किंग यू टू यू नो एक्सचेंज द प्राइमर दैट आई हैव गॉटन फॉर फ्री, बट एटलीस्ट गिव मी अ रिप्लेसमेंट ऑफ द लिपस्टिक विच इज़ अबाउट टू एक्सपायर बिकॉज आई पेड फॉर इट कम्प्लीट. सो दे डिड नॉट रिप्लाई टू मी फॉर अ वाइल एंड शाम को कुछ ना मुझे कस्टमर केयर से कॉल आया एंड दिस गाय वॉज टेलिंग मी कि यू हैव एन ऑप्शन टू ईदर रिटर्न द होल ऑर्डर और द सेकेंड थिंग इज टू रिटर्न द लिपस्टिक द प्राइमर एंड ऑल्सो टू मोर सैम्पल्स फ्रॉम द होल ऑर्डर. सो आई वॉज लाइक वाई वुड आई लूज आउट ऑन द ऑफर. अगर मुझे ऑफर नहीं मिला होता तो मैं शायद खरीदती भी नहीं. सो वाई शुड आई लूज आउट ऑन द ऑफर जस्ट बिकॉज ऑफ योर नेग्लिजेंस. आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट. जस्ट
सेंड मी द रिप्लेसमेंट ऑफ द गुलाबी लिपस्टिक. इवन इफ आई गेट इट विद अ सिमिलर मैन्युफैक्चरिंग डेट आई विल कीप इट चुपचाप से, आई विल नॉट मेक एनी सीन. एंड एट द एंड ऑफ द फोन कॉल उन्होंने मुझे बोला कि आई एम नॉट टेकिंग दिस एज योर फाइनल डिसीजन, आप डिसाइड करो एंड मुझे ईमेल करना, जो आपके ट्रेल मेल चल रहे हैं उसी पर आप रिस्पॉन्ड कर देना कि आपका फाइनल डिसीजन क्या होगा. सो मैंने उसी ईमेल पर जाकर दोबारा मैंने उनको ईमेल किया कि नहीं, मुझे गुलाबे का रिप्लेसमेंट चाहिए ही, आई एम नॉट गोइंग टू यू नो टेक दिस लॉस. ऑल्सो आई हैव यूज्ड द अदर प्रोडक्ट्स जो पहले डिलीवर हुए थे, मैंने उनको ट्राई एंड टेस्ट किया था बिकॉज उनमें कोई इशू नहीं था. सो यू कांट आस्क मी टू रिटर्न द होल ऑर्डर. तो दे डिड नॉट रिप्लाई टू मी आफ्टर दैट. ओके, तो 24 आवर्स के लिए आई वेटेड एंड व्हेन आई चेक द ऐप आई सॉ दैट माय रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट वाज रिजेक्टेड एंड दे डिड नॉट इवन इन्फॉर्म मी अबाउट इट. ना ही मुझे रिप्लेसमेंट दे रहे हैं, ना ही मुझे रिफंड दे रहे हैं एंड मुझे इन्फॉर्म तक नहीं कर रहे. सो आई वॉज रियली रियली पिस्ड ऑफ विद देम. सो आई यू नो लॉस्ट अ कंप्लेंट इन दिस नेशनल कंज्यूमर फोरम वाला जो ऐप होता है उसमें. नाउ लेट मी टेल यू, नेशनल कंज्यूमर फोरम वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं. So by the time they responded to me on that complaint, they told me the same thing what Nykaa told me. And in fact Nykaa ne unko kuch jhoot bol diya, jaise ki they told them ki customer ne kuch response nahi diya tha humko, isliye humne usko kuch nahi we thought that she is okay with keeping the product. तो आई वॉज रियली सरप्राइज्ड एंड आई ट्राइड कॉन्टैक्टिंग द कंज्यूमर फोरम का जो ईमेल होता है उस पर से कि नहीं मेरे पास प्रूफ है. आई सेंड देम द स्क्रीनशॉट्स ऑल्सो कि नहीं आई डिड ईमेल Nykaa टू सेंड मी द रिप्लेसमेंट ऑफ द गुलाबी लिपस्टिक, बट दे ऑल्सो यू नो काइंड ऑफ डिस्पोज्ड माई कंप्लेन. सो दिस होल सिचुएशन ऑफ बाइंग ड्यूरिंग द सेल वॉज रियली डिसअपॉइंटिंग फॉर मी. फॉर द फर्स्ट टाइम आई वॉज डिसअपॉइंटेड विद Nykaa बिकॉज आई कीप ऑन बाइंग, जब भी सेल आता है ना आई कीप ऑन buying some or the other thing. So guys, the whole point of making this video is that Nykaa ka jo customer service hai na wo bahut awful hai and I'm so disappointed ki main inse bar bar shopping karti hu and still they chose to behave like this. And also I'm not the only one who has been through this. There are big YouTubers who have made videos on this particular issue ki Nykaa अपने कोई भी जो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स या ब्रोकन प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनको रिप्लेस नहीं करता. एंड स्पेशली इफ इट्स अ लग्जरी ऑर्डर बिकॉज लग्जरी प्रोडक्ट्स आर वेरी एक्सपेंसिव हियर इन इंडिया एटलीस्ट. सो आई रियली वॉन्टेड टू वॉर्न यू ऑल सो दैट यू नो यू डोंट एंड अप वेस्टिंग योर मनी जस्ट लाइक आई डिड. सो या अगर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस होगा तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स ताकि जो और भी लोग वीडियो देखेंगे ना तो उनको भी पता चलेगा कि वॉट आर दी अदर प्रैक्टिसेस दैट Nykaa फॉलोज. सो या आई सी यू गाइज इन अ न्यू वीडियो एंड प्लीज़ हेल्प मी रीच 1000 सब्सक्राइबर्स सुपर सून बाय क्लिकिंग द लाइक शेयर एंड ऑल्सो द सब्सक्राइब बटन. आई सी यू इन अ न्यू वीडियो. तब तक के लिए बाय.